नमस्कार दोस्तों, इस समय जो आप सामने का वीडियो देख रहे हैं यह है गंगा नदी यानी कि प्रयागराज। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत तेज़ी से काम चालू हो गया है, क्योंकि महाकुंभ का जो तैयारी है अभी से करना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे चल के काम को अंजाम दिया जा सकता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे JCB ट्रैक्टर वगैरह सब लग गए हैं और लाइट के लिए पोल्स गड़ने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये शास्त्री ब्रिज के ऊपर से ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, आने वाले समय में आप यहाँ पे देखेंगे कि तंबुओं का शहर बन जाएगा। और इस तरफ आप जो देख रहे हैं नदी की मतलब हल्की सी धारा बह रही है, यानी गंगा नदी की धारा हल्का सी बह रही है, धीरे धीरे ये सूखने के कगार पे है। तब जैसे जैसे सूखेगा वैसे वैसे काम शुरू हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे JCB और ट्रैक्टर से ज़मीन को समतल किया जा रहा है, और समतल करने के बाद इसको डिवाइडेशन सेक्टर में बदलेंगे ताकि सेक्टरों का निर्माण हो सके और उसमें प्लेटें बिछाई जा सकें आवागमन के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपा का पुल भी बनना शुरू हो गया है। अभी से काम इतना तेज़ी से शुरू हो गया है ताकि आने वाले समय तक जल्दी से इनको तैयार करके देना होगा, क्योंकि जब तक ये तैयार नहीं होगा तब तक आगे का कार्यवाही नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं दूर दूर तक बिल्कुल एकदम खाली मैदान है। बहुत जल्द ही आप देखेंगे ये जो अभी ये गंगा नदी आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पानी बह रहा है ये अभी इसका धारा और कम हो जाएगा। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं अभी थोड़ा से दिखाई दे रहा है, ये सब बिल्कुल दिखाई देने लगेगा आने वाले समय में, क्योंकि पानी का जलस्तर जो है धीरे धीरे बहुत नीचे जा रहा है। जहाँ भी अभी ज़मीन नहीं दिखाई दे रहा है आने वाले समय में वहाँ भी दिखाई देने लगेगा, और वहाँ पर तंबुओं का शहर बन जाएगा। इस तरफ आप देख रहे हैं ये परेड ग्राउंड है जहाँ पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, और इस समय डायवर्सन कर दिए हैं क्योंकि चुंगी पे जो पुल बन रहा है उस पुल के बगल एक और पुल बन रहा है, क्योंकि आने जाने में बहुत समस्या होती थी इसलिए वहाँ पे पुल का निर्माण हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ लोग बस से आए हैं और ये थैले में हींग लिए हैं, हींग को बेचने के लिए। तो इनका एक अलग मजमा है, अलग अपना मेजोरिटी है जो यहाँ पे आए हैं बिजनेस के लिए। अभी से जो मेला में रहने वाले लोग हैं सब धीरे धीरे आना शुरू कर दिए हैं जो अपना बिजनेस को लेकर। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बगल बगल में जो चादरें लगा दी गई हैं ये सब फोर्स को रहने के लिए, यहाँ पे उनको रहने के लिए आराम करने के लिए जो व्यवस्था दी गई है आप देख सकते हैं ये व्यवस्था बन गई है। पुलिस को